हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग हट। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना मसाला, जिसको कि बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे बिना कोई तामझाम के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो रेगुलर रेसिपीज़ हैं आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन भुना मसाला बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं दही, नींबू का रस, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, और अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कुकर को गाइज हमने गैस पर रख लिया है, और अब हम इसमें सरसों के तेल डालेंगे, और तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही होनी चाहिए। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसमें कुछ साबुत मसाला ऐड करेंगे, जिससे कि जो चिकन का फ्लेवर है बहुत ही शानदार आता है। तो ये देखिए, साबुत मसाला में हमने लिया है लाल मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, और अगर आपके पास कच्चा लहसुन अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। मेरे पास पेस्ट बना हुआ था तो मैं पेस्ट के तौर पे यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आप कच्चा लहसुन ऐसे डाल सकते हैं, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाले को थोड़ी देर हम तेल में भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। जो प्याज की क्वांटिटी है हमने ली है 6-7 प्याज लिया है। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो अब हम प्याज डाल के और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो हमारा है ब्राउन हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने घर पे तैयार किया हुआ है। आप चाहें तो आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वांटिटी जो है लगभग 1 बड़े चम्मच है। इसके बाद थोड़ी देर और हम इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाला, जिसमें कि हमने लिया है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको मिक्स करेंगे इसमें और थोड़ी देर और फ्राई करने देंगे। थोड़ी देर मसाला को भुनने के बाद अब हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे, जो कि हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच। ये देखिए, अब फिर से इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। गाइस, हम जितना ही मसाले को भुनेंगे उतना ही हमारा फ्लेवर जो है चिकन का बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप ट्राई करें कि मसाला को हम ज़्यादा ज़्यादा भुनें, और गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रहेगा। अब इसमें नमक डालते हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें चिकन डालेंगे फ्रेंड्स।
जो कि हमने पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है, और चिकन को डाल के अच्छी तरह इसमें भुनेंगे इसको। और एक बात का ध्यान रहे कि हम कुकर की सीटी नहीं लगाएंगे, हमने बनाना है इसको ढक के, तो ही जो हमारा चिकन भुना मसाला है उसका रियल वाला टेस्ट आएगा। ये देखिए हमने ढक दिया, अब इसको हम कुछ मिनटों के इंटरवल के बाद फिर से हटाएंगे और फिर मिलाएंगे, फिर ढक देंगे। ये प्रोसीजर हमारा लगभग 5 से 10 मिनट चलेगा और उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा चिकन पका या नहीं। तो चलिए हम कुकर को ढक देते हैं। तो ये लगभग हमारा 8 से 10 मिनट हो चुका है। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है चिकन का, और इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। ये देखिए पानी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि हमें थोड़ा सा ड्राई ही रखना है इसको। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, और थोड़ी देर में बाद गैस को बंद कर देंगे और ढक देंगे इसको। तो फ्रेंड्स, चिकन भुना मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है हमारा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।